हेलो दोस्तों, राम राम। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं सुबह सुबह उठ चुकी हूँ और घड़ी में बजे हैं 8। और यहाँ पे देखिए, मैं खिड़की दरवाजे सारे खोल दूँगी। यहाँ पर देखिए, हमारे बच्चों के टिफिन के लिए सिंपल भिंडी की सब्जी बन के तैयार है। ये देखिए कितनी टेस्टी बनी है। मैं सुबह सुबह सब्जी पूरी, सब्जी रोटी या सब्जी पराठे बना के देती हूँ। बच्चों को हेल्दी खाना ही देती हूँ, ज़्यादा सटर गटर नहीं देती हूँ, ताकि बच्चे अच्छे से खा के आए। क्यों, पोहा वोहा दे दो तो वो ठंडा हो जाता है, तो बच्चे अच्छे से खाते भी नहीं हैं और उनका पेट भी नहीं भरता है और घर पे बचा हुआ भी आता है। तो ये सब्जी पूरी बनाने में, सब्जी रोटी बनाने में थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, लेकिन बच्चे खा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए, मैं पूरी बनाऊँगी। बच्चों ने बोला कि भिंडी के साथ मम्मी पूरी अच्छी लगती है, इसलिए मैं पूरी बनाऊंगी। मैंने कहा ठीक है भैया, बना दे रहे। खाना ठंडा हो जाता है तब भी खप जाता है खाना। पोहा मैगी वैगी नहीं खिलाती है बच्चों से ठंडी। तो यहाँ पे देखिए, अब पूरी बना के तैयार करेंगे फटाफट। साथ की साथ मैं टिफिन लगाती जाऊंगी। बच्चों नाश्ता कर लो। एक दो दिन और लेट स्कूल रहेंगे, फिर तो जल्दी भी हो जाएंगे, तो 5 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि अभी 9 बजे से स्कूल है, तो इसलिए लेट भी उठते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बच्चों को मैं नाश्ता भी लगाती जा रही, क्योंकि बच्चे नाश्ता करके जाते हैं तो सही रहता है, जल्दी भूख नहीं लगती है। तो यहाँ पर गरम गरम पूड़ी निकल रही थी। ये देखिए, बिटिया दिखा रही है कि आइए आप लोग भी खा लीजिए। यहाँ पे देखिए, बच्चे जाने के बाद किचन की साफ़ सफाई कर ली थी, तो अब होने लगी है खाने की तैयारी। तो इसमें मैंने दाल रख दी है और चावल भी रखूँगी। तो ये देखिए, मैंने चावल ले लिए हैं, अब इनको गैस पर रख देते हैं और धीमी आंच पर पकने देते हैं। यहाँ पे देखिए, हमारा खाना भी लग चुका है, तो नहा धो लिया था, खाना भी बन गया। और खाने में देखिए क्या क्या बना है। ये भिंडी की सब्जी है, नमकीन, दाल, चावल और रोटी, और ये साथ में पराठे। तो चलिए इनको देते हैं, आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। खाना खा लिया हम लोगों ने। तो यहाँ पे देखिए, दूध भी आ गया था, तो मैंने की दूध छान के उबलने के लिए रख दूँ। तो देखिए, यही हमारा सुबह से दोपहर तक का रूटीन था। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।